सो 4 फरवरी का पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? सो आंसर है नोवाक जोकोविच ने। भारत की पहली नियात फ्रूट ट्रेन को किस राज्य में रवाना किया गया? सो आंध्र प्रदेश से। फ्रूट की सबसे ज़्यादा पैदात आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है और वेजिटेबल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में। उद्योगों को जल्दी किल्थरस देने के लिए राज्य ने डायरेक्ट सीटीओ मतलब कंसेप्ट टू ऑपरेट नाम का पहल लॉन्च किया है, तो तमिलनाडु सरकार ने। फीफा फाउंडेशन के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो मॉरिसियो मैक्री को। किस राज्य ने YSR पेंशन कानून का योजना शुरू की है? सो आंध्र प्रदेश सरकार ने। जब भी YSR योजना आती है तो आंध्र प्रदेश की ही होती है, और कभी भी पेंशन कोई भी योजना हो और उसके आगे मो लिखा हो तो वो ओडिशा सरकार की होती है। 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पेश की गई बजट का विषय क्या था? सो उम्मीदों का भारत, आर्थिक विकास, केयरिंग समाज यानी कि ऊपर युक्त सभी। खादी व ग्राम उद्योग आयोग ने किस कंपनी के साथ मिलकर खादी की कलाई घड़िया लॉन्च की है? सो टाइटन कंपनी के साथ मिलकर। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 2020 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सो हरियाणा में किया गया और इसकी फोकस स्टेट है हिमाचल प्रदेश और फोकस कंट्री है उज्बेकिस्तान। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में। ये इसका 34वां संस्करण है। उग्रवाद से लड़ते हुए शहीद सैनिकों के सम्मान में आसाम राइफल्स ने किस राज्य में युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? सो नागालैंड में। सो अभी हाल ही में ही यूपी में जो भी डॉग है, जो शहीद होते हैं, जो भी जानवर एनिमल्स, उसके लिए यूपी में युद्ध स्मारक किया गया है और शहीद सैनिकों के लिए नागालैंड में। किस राज्य ने सभी प्रकार की ऑनलाइन लोटरिया स्कीम पर प्रतिबंध यानी कि मना लगा दिया है? सो वो है पंजाब। उत्तरी कप्तान यानी कि नॉर्थन कमांड के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? YK जोशी, यहाँ HK जोशी है, जो हरजीत कौर जो एक महिला है, फीमेल है, ये शिपिंग की नई अध्यक्ष बनी है। CISF ने किस वर्ष को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा की है? 2020 के ईयर को। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास नसीर अल बहर शुरू हुआ है? सो भारत और ओमान के बीच। इसरो किस राज्य में देश के पहले अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेगा? सो कर्नाटक में करेगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्री प्रशिक्षण हमारे यहाँ नहीं होने की वजह से रशिया में हमारे अंतरिक्ष यात्री को ट्रेनिंग दी जा रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।